अशोक लेलैंड कंपनी लेके आई है। अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त I2LX 1425 किलो का पेलोड कैपेसिटी के साथ में ट्रक आता है। उसके अलावा इस ट्रक के अंदर आपको AC केबिन देखने को मिल जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं ये I2LX वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है। इसमें कंपनी अलग अलग वेरिएंट प्रोवाइड करवाती है। अगर आपको ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी चाहिए तो I4 आप ले सकते हैं, I3 प्लस आप ले सकते हैं। उसमें भी आपको AC केबिन का यहाँ पे विकल्प जो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस पिकअप के बारे में, किस तरह से आपके लिए खास रहने वाला है, किस तरह से एक अच्छा विकल्प आपके लिए बनेगा, कंपनी इसमें क्या क्या फीचर ऐड कर चुकी है उसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा इसकी कीमत क्या रहेगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। सबसे पहले दोस्तों इसके फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे अशोक लेलैंड की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में दी हुई है। फ्रंट में आप लोगो देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिया गया है। उसके अलावा सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं जो ये सामने वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे फाइबर में दिया गया है, ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे मेटल क्वालिटी के साथ में दिया गया है। और उसके बाद हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हेडलाइट इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि हलोजन बल्ब के साथ में दी गई है। उसके साथ साथ में जो इंडिकेटर है वो बूमरैंग शेप में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे देखने में लगता है। दोनों ही साइड आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश इसका यहाँ पे लुक का सामने की तरफ लगता है। उसके अलावा सामने की तरफ जो बम्पर दिया गया है वो यहाँ पे फाइबर के साथ में दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे बम्पर के ऊपर आप देख सकते हैं फोग लैंप की जगह दी हुई है, रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि रात के समय काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहता है। सामने की तरफ इसमें आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर पट्टी देखने को मिल जाती है, नंबर प्लेट की जगह आपको साइड में यहाँ पे सामने की तरफ जो देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस का आपको देखने को मिल जाता है। जो अपार्चर एंगल है काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है, ऑफ रोड में भी इसको आसानी से आप ले जा पाएंगे। विंडशील्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी विंडशील्ड इसकी आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा वाइपर का जो साइज है वो विंडशील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद साइड प्रोफाइल से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I2LX की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। LX वेरियंट है, टॉप वेरियंट है I2 कैटेगरी के अंदर, जो कि फुल्ली AC केबिन के साथ में आता है। केबिन आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो सीट है आप देख सकते हैं जो पैसेंजर की साइड की जो सीट है आपको डुअल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। टोटल सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो पासिंग है इसकी 3 सीटर के साथ में कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जो कि काफ़ी एक उपयोगी चीज़ आपके लिए रहने वाली है। 3 जने आप आराम से इसमें बैठ के जो ऑपरेट इसको कर पाएंगे, आसानी से इसमें ट्रैवल जो है कर पाएंगे। उसके बाद डोर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर को इस प्रकार से दिया गया है। साइड विंडो के ग्लास को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे मैनुअली आपको लीवर देखने को मिल जाता है। लॉक इसमें आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए इस लीवर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा स्पेस में आपको देखने को मिल जाता है। वाटर होल्डर भी यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ में इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर के लिए अलग से स्पेस दिया गया है, जो कि अपने आफ्टर मार्केट बाहर से आप लगवा सकते हैं। उसके बाद केबिन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंदर चलते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फुट रेस्ट है वो यहाँ पे फाइबर टेक्नोलॉजी के साथ में दिया गया है। उसके बाद सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको देखने को मिल जाता है। फुली पावर स्टीयरिंग के साथ में आपको पिकअप देखने को मिल जाता है। बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं अशोक लेलैंड का लोगो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो मीटर कंसोल है फुली डिजिटल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फुली डिजिटल मीटर के साथ में गाड़ी आती है। बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीडोमीटर दिया गया है, छोटी सी MID स्क्रीन दी गई है। इसमें आप अलग अलग मोड यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ट्रिप A ट्रिप B आपको देखना है तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा टोटल कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा RPM मीटर जो आपको साइड में देखने को मिल जाता है। जो डीजल है, डीजल अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको साइड में यहाँ पे जो डीजल के लिए अलग से गोज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो डैशबोर्ड है उसका कलर आप देख सकते हैं, काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे कंपनी ने इस्तेमाल किया है। ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अशोक लेलैंड कंपनी ने यहाँ पे अलग से जो है आपको अगर म्यूजिक सिस्टम लगवाना है उसके लिए अलग से स्पेस दिया गया है। AC केबल और कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जो कि राउंड शेप में आपको देखने को मिल जाते हैं। पार्किंग ब्रेक में अगर आपका पिकअप जो है एंगेज है, यानी जो लीवर आपको ऊपर की तरफ कर रखा था उसके अलग से यहाँ पे आपको सिंबल देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो AC के कंट्रोल है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। उसके अलावा दोनों ही साइड इसमें आपको पैसेंजर प्लस ड्राइवर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट बेल्ट का एक एडिशनल फीचर कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है, जो कि सेफ्टी के लिहाज से बात करें तो काफ़ी बेहतरीन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। गियर स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स का स्पीड इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर इसमें कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। उसके अलावा इसमें ग्लोव बॉक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन इसमें आपको देखने को मिल जाता है।
यहाँ ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पे स्पेस कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और नीचे की तरफ अगर आपको और डॉक्यूमेंट रखने हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं टूल वगैरह आप गाड़ी के अंदर इसमें आसानी से रख पाएंगे। पीछे की तरफ आप देखोगे तो एडिशनल इसमें विंडो भी आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाती है। सीट इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स यहाँ पे दी गई है, आगे पीछे इसमें आप रिक्लाइन आप नहीं कर पाएंगे, और जो सीट बेल्ट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिजाइन करी गई है। ड्राइवर सीट की बात करें तो इसको आप आगे पीछे यहाँ पे रिक्लाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसके फ्रंट सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पे कंपनी ने इस्तेमाल किया है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। जो फ्रंट सस्पेंशन है इसमें आपको पैराबोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो कि डुअल एक्टिंग शॉक अब्जॉर्बर के साथ में आता है। डुअल एक्टिंग होने से इसमें जो फ़ायदा होगा वो केबिन के अंदर कंफर्ट जो है काफ़ी अच्छा बढ़ा देता है। उसके बाद टायर साइज़ की बात करें तो इसमें जो टायर साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं 195 R15 इंच का टायर साइज़ में आपको देखने को मिल जाता है। जो व्हील का साइज़ है वो 15 इंच का इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन टायर साइज में कंपनी ने प्रोवाइड यहाँ पे करवाया है। उसके बाद इसमें जो एयर क्लीनर है यहाँ पे ड्राई टाइप का देखने को मिल जाता है जो कि क्लॉगिंग सेंसर के साथ में आता है। इसमें आप देख सकते हैं अगर चोक बाई चांस अगर चोक हो जाता है तो उसका जो संकेत है आपको मीटर कंसोल के अंदर देखने को मिल जाएगा। बैटरी का स्थान इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है। उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं जो सस्पेंशन है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कैटलिक कन्वर्टर इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि हार्मफुल गैसेस को बाहर निकालने का कार्य करता है। और जो नीचे वाले जो शाफ्ट है आप देख सकते हैं जो गियरबॉक्स से कनेक्टेड जो गियरबॉक्स के साथ में कनेक्टेड रहती है वो इस प्रकार से डिज़ाइन करी गई है। उसके बाद इसके रियर सस्पेंशन की हम बात करें तो इसमें आपको पैराबोलिक लीफ सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमानी दी गई है वो कुछ प्रकार से दी गई है क्योंकि क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ में इसकी कमानी आपको देखने को मिल जाती है। कमानी पट्टे के साथ में इसका जो रियर सस्पेंशन यहाँ पर दिया गया है जो कि हैवी से हैवी लोड आसानी से इसमें आप चला पाएंगे। जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1425 किलो की इसमें आपको देखने को मिल जाती है। टोटल इसमें अगर GVW की बात करें तो इससे पिकअप का जो GVW वेट है 2880 किलो का आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपके लिए काफ़ी एक बेहतरीन ऑप्शन जो है बनने वाला है। उसके अलावा दोस्तों इसके रियर लुक की अगर बात करें तो यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं जो पीछे की तरफ जो डाला दिया गया है उसकी अशोक लेलैंड की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इसमें यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं। 3 पार्किंग सेंसर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि रिवर्स अगर आप कर रहे हैं तो काफ़ी उपयोगी आपके लिए जो रहने वाले हैं। उसके अलावा जो टेल लैंप है हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाता है। स्पेयर टायर आपको पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और जो साइज़ है सेम ही साइज़ में आपको यहाँ पे पीछे की तरफ जो है देखने को मिल जाता है। इस पिकअप को आप लोड बॉडी और कार्गो बॉडी के साथ में दोनों ही ऑप्शन के साथ में ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा इसमें अगर लोड बॉडी की लंबाई के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2745 mm की लंबाई देखने को मिल जाती है। टोटल चौड़ाई की बात करें तो 1750 mm की देखने को मिल जाएगी जो कि दोनों ही ऑप्शन के साथ में इसको आप ख़रीद सकते हैं। फ्यूल डीजल टैंक की बात करें तो इस पिकअप के अंदर आपको 40 लीटर की कैपेसिटी के साथ में जो डीजल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। डेफ टैंक इसमें नहीं दिया गया है जो कि काफ़ी एक अच्छा चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। डेफ टैंक आपको बार बार डेफ डलवाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। उसके बाद ओवरऑल अगर लेंथ की बात करें तो इसमें जो ओवरऑल लेंथ है जो लंबाई है इस पिकअप की आपको 4818 mm की देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो हाइट है आपको 2056 mm की देखने को मिल जाएगी। उसके साथ में जो व्हील बेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो व्हील बेस है इस पिकअप का 2510 mm के साथ में देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छे व्हील बेस के साथ में ट्रक आता है जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी जो रहने वाला है। उसके अलावा इस पिकअप की जो टर्निंग रेडियस है अगर हम उसकी बात करें इसके अलावा इसमें केबिन की हाइट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जो मेरी जो हाइट है वो 6 फीट की है। उसके अलावा स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस में आपको देखने को मिल जाता है। विजिबिलिटी बात करें तो आप देख सकते हैं जो विंडशील्ड की अगर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन इसमें आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि किस प्रकार से दी गई है। उसके अलावा टर्निंग रेडियस की बात करें तो छोटी ही जगह में ये आसानी से इसको आप घुमा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों टर्निंग रेडियस की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अभी मैं आपको टर्निंग रेडियस गाड़ी का दिखा देता हूँ किस प्रकार का है। छोटी सी जगह में आप किस प्रकार से इसको घुमा पाएंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टर्निंग रेडियस का आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो गाड़ी है वो काफ़ी अच्छी GVW वेट के साथ में आपको देखने को मिल जाती है और जो पेलोड कैपेसिटी है जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 1425 किलो का आपको देखने को मिल जाएगा। फुली सिंक्रोमैक्स गियरबॉक्स के साथ में गाड़ी आती है जो कि आसानी से आप गियरबॉक्स को चेंज कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों अभी बात करें से कीमत की तो वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ उसकी कीमत क्या रहेगी। उसके अलावा दोस्तों इसकी कीमत की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्समैन हमारे साथ में जुड़े हैं जिसे हम आपको बताते हैं इसकी कीमत क्या रहेगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, एक बार अपना नाम वगैरह बताएं। मेरा नाम अमित यादव है जी। ठीक है, भिवाणी से हैं। ठीक है, भिवाणी ब्रांच है अपनी। ठीक है, और EI2 गाड़ी है अपनी।
इसकी कीमत है जो एक्स शोरूम प्राइस है, LS मॉडल है जो बिना AC वाला है, इसकी कीमत आपको पड़ेगी 8,95,000 रुपये। अभी जैसे ये LX वेरिएंट है, टॉप मॉडल है AC केबिन के साथ, तो इसकी कीमत क्या रहेगी? इसकी कीमत रहेगी जी 9,20,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। हाँ जी, ठीक है। अगर ऑन रोड की बात करें तो ऑन रोड कितने में पड़ जाएगी? ऑन रोड पड़ेगी जी जो LS मॉडल है अपना, वो पड़ेगी 9,41,000 रुपये की। 9,41,000, हाँ जी। और जो टॉप वेरिएंट है जो अपना, ये 9,66,000 रुपये पड़ जाएगी। 9,66,000, ठीक है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं जिससे जो भिवानी एरिया के जो ग्राहक आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, एक बार संपर्क नंबर आपके बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है जी 9728285899। ठीक है, धन्यवाद। उसके अलावा दोस्तों, कंपनी से पिकअप श्रेणी के अंदर अलग अलग वेरिएंट लॉन्च कर चुकी है। अगर आपको बड़ा पेलोड कैपेसिटी चाहिए, अगर ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। i4 i3, इसमें आपको कंपनी जो ऑप्शन करवाती है, AC के भी नॉन AC के भी दोनों ही ऑप्शन के साथ में इसको आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने जानकारी प्राप्त करी है i2 LX मॉडल के बारे में, ये फुली AC के भी इनके साथ में आता है। इसकी कीमत के बारे में भी जैसे सेल्समैन हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने आपको बताया है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी की जानकारी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।